सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस टेंशन। सो हम लोगों ने सरफेस टेंशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, राइट? सो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यू आर विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड इफ यू आर होल्डिंग योर हैंड इन हैंड एंड आप सब लोग को किसी एक पर्सन ने ब्रेक करने का ट्राई किया, देन दैट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रेक। सिमिलरली जैसे ही वो बॉन्ड होता है, सिमिलर बॉन्ड इज ऑकर्ड इन सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हम लोगों ने अभी मॉलिक्यूलर थियरी भी पढ़ा है, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स भी जैसे होते हैं, दे आर बॉन्डेड इन बोथ डायरेक्शंस, अलोंग एक्स एज वेल एज अलोंग वाई। सो दोनों डायरेक्शन में बॉन्डिंग होने की वजह से वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को उनके थ्रू पास होने ही नहीं देते। इट्स एज गुड एज अ नेट, राइट? इट इज एज गुड एज अ नेट। तो वो नेट नेट के ऊपर जो भी चीज गिरती है, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट अ नेट, राइट? सो नेट के ऊपर जो भी चीज गिरती है वो उसको पास होने नहीं देता। सो दिस वॉज अवर अंडरस्टैंडिंग टू द सरफेस टेंशन, राइट? सो सरफेस टेंशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था, ये तो जस्ट एक इमेज दिखाने के लिए था कि सरफेस टेंशन कैसे एक्ट होता है। वो लिक्विड बबल देखो, राइट? सो कैन वी कंसिडर एज द सरफेस एज अ नेट, वो अपने लिक्विड पार्टिकल्स को भी अंदर आने नहीं देता, राइट? उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, यस, नो डाउट स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस इज वेरी लेस। सो ड्यू टू हैवी लोड, अगर लोडिंग हैवी है तो वो सरफेस ब्रेक करके आ सकता है, बट अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है देन इट कैनॉट ब्रेक द सरफेस। सो इन नेचर कुछ लिक्विड्स या कुछ फ्लूइड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सरफेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सो ये चीज का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये चीज का एप्लीकेशन है आपके डिटर्जेंट्स में, राइट? डिटर्जेंट्स। सो डिटर्जेंट्स में कैसा एक्शन है कि डिटर्जेंट्स अभी पानी में डालोगे तो यू हैव सीन दैट द नॉर्मल वाटर मेक्स लेस बबल्स एज कम्पेयर टू द सोपी वाटर, राइट? सोपी वाटर बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज के बबल्स बनाता है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू एडिशन ऑफ सोप द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। सो ड्यू टू दिस डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर जो फैब्रिक होता है आपका क्लॉथ, उसके पोर्स के अंदर कहीं पे भी इजिली पेनिट्रेट कर सकता है, राइट? सरफेस टेंशन अगर कम है तो देन द सोपी वाटर विल इजिली पेनिट्रेट द क्लॉथ और फैब्रिक, एंड इसके पेनिट्रेशन की वजह से ये अच्छे से क्लीन कर पाता है फैब्रिक को, राइट? सो हम लोगों ने एक जस्ट इमेजिनरी लाइन मैंने समझो ड्रॉ किया, मतलब क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया मतलब क्या किया, कुछ मैंने एक पार्टिकल्स लाइन में कंसिडर किए तो उनके ऊपर दोनों साइड पे फोर्स गिर रहा है जैसे मैंने बोला था, राइट? सो इसका फॉर्मूला है, दैट्स नॉट एरिया दैट्स लेंथ, ओके? दिस इज लेंथ, दिस इज नॉट एरिया, ये लेंथ है, ये एरिया बिल्कुल नहीं है, ओके? सो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन क्या है, L0 M1 T रेस टू -2, राइट? सरफेस एनर्जी देखा था, अभी मैं डिफाइन तो नहीं करूंगा क्या है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या बोला था मैंने, मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस आर मूविंग टू बॉटम, ओके? सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस रिड्यूसेस एंड बिकम्स मिनिमम, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, ओके? सो ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, या ये प्रूफ करता है दैट एवरी सिस्टम ट्राइज टू बी इन इट्स मिनिमम एनर्जी स्टेट, ओके? सो बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, इसमें वर्क डन बाय टेंशन और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द डेरिवेशन। सो हमको क्या मिला था, dW इज इक्वल टू F इंटू dA, राइट? dW इज इक्वल टू F इंटू dA, ये वाला हमको रिलेशन मिला था। अभी ये वाला रिलेशन हमको आगे यूज करना है। सो उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या था डेफिनेशन, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस एट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या कि मान लो एक आपका सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर एक फ्री लिक्विड सरफेस है, तो ये पॉइंट पे मैंने अगर फ्री लिक्विड सरफेस को टेंजेंट बनाया एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे,
तो सॉलिड सरफेस और उस टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो बना मेरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, सो व्हेन द एंगल एंगल इज एक्यूट वी कॉल इट एज कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस मतलब कॉनकेव मतलब क्या, खड्डा बन जाता है, इसको कैविटी बोलूंगा, कॉनकेविटी, खड्डा बन जाता है, पिट बन जाता है, कुछ भी बोलो चलेगा। So when the angle formed as obtuse angle, then the surface is convex. अभी convex में क्या होता है? Dome बन जाता है. This is a dome shape, right? So जब भी dome shape दिखेगा तो convex and pit type या खड्डा type दिखेगा तो concave. फिर shape of the meniscus, shape ऐसा ही क्यों रहता है? उसके लिए भी हम लोगों ने देखा था कि concave के लिए उसकी resultant force बाहर होती है. So सारे particles की force बाहर खींचती है उसको. तो उसके वजह से उसका शेप कॉनकेव रहता है, राइट? और कॉन्वेक्स के लिए भी देखा था कि सारे सारे जो रिजल्टेंट फोर्स है, कि कौन सी रिजल्टेंट फोर्स है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, सो उन दोनों की रिजल्टेंट फोर्सेस कॉन्वेक्स में फ्लूइड के अंदर है, सो उसकी वजह से वो सारे पार्टिकल्स को फ्लूइड के अंदर ही खींचेगी, सो ड्यू टू दैट इट फॉर्म्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस। राइट, इसमें दो स्पेशल केसेस भी देखे थे हम लोगों ने। ज्योति, आपको डाउट था ना कि अगर ये है क्या फ्लैट सरफेस है, देन उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कैसे हुआ? तो आपने उसमें बोला था कि जीरो है, तो जीरो के लिए देखो कैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। योर टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट पासेस थ्रू द सरफेस, बट थोड़ा सा कर्वेचर बनता है यहाँ, राइट? बट जब 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओके, अभी 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, उसका जो टेंजेंट है ना, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ओके, द टेंजेंट फॉर फ्लैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस, तो उसके वजह से उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता है, ओके? सो ये डाउट आया भी रहेगा या नहीं आ रहेगा, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आपको टेस्ट में एमसीक्यू में मैंने बताया था। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे शेप ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है, बबल का शेप कैसा होता है, एंड हाउ डू वी प्रेडिक्ट देम, उनको हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको एक वाटर ड्रॉपलेट का शेप बताता हूँ। ओके, यू कैन सी द शेप इन द ऑन द स्क्रीन। और एक शेप है मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स का, एक शेप है वाटर ड्रॉपलेट्स का, एक शेप है मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स का। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द शेप ऑफ ड्रॉप, राइट? मर्क्यूरी का ड्रॉप इज वेरी स्पेरिकल टाइप और ओव्यूल टाइप, राइट? बट वाटर का ड्रॉप वैसा नहीं है, वाटर का ड्रॉप इज समथिंग डिफरेंट, राइट? इट्स शेप इज वेरी डिफरेंट, राइट? ओवल टाइप, मर्क्यूरी का ओवल टाइप है या स्फेरिकल टाइप है? जो छोटे छोटे मर्क्यूरी ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल टाइप में, एंड जो बड़े मर्क्यूरी ड्रॉप्स है दे आर इन ओवल शेप। सो बोथ द ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर शोइंग सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? एक स्फेरिकल बनाता है, एक शेप ही नहीं बना रहा है। सो ऐसा होता क्यों है? व्हाई दिस थिंग्स ऑकर्स इन नेचर, से नेचर में ऐसा एग्जिस्ट क्यों होता है? तो वही समझना है हमको कि ऐसा एग्जिस्टेंस क्यों आता है नेचर में, हाउ डज इट वर्क्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। सो हम आज के लेक्चर में यही सब समझेंगे कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, इसका शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है। अगर आप लोगों ने लिक्विड का ड्रॉप भी देखा रहेगा पिछले वाले स्लाइड में, उसमें GIF में दिखाया रहेगा कि लिक्विड का ड्रॉप भी स्फेरिकल होता है, तो लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल ही क्यों होता है? क्यूब क्यूब नहीं बन सकता, क्यूबॉइडल नहीं बन सकता, या टेट्राहेड्रन ट्रायंगुलर नहीं बन सकता, स्फेरिकल ही क्यों बनता है? तो आज के लेक्चर में हमको ये सारी चीजों के आंसर्स मिलेंगे कि व्हाई द ड्रॉप इज स्फेरिकल। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो नाउ जस्ट इमेजिन करो कि एक सरफेस है, ओके, एंड इस सरफेस के ऊपर एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, ओके? सो इसका भी इंटरफेस किसके किसके साथ है? एक तो सॉलिड लिक्विड है, राइट? एक लिक्विड और एयर है, और एक
सॉलिड और एयर के यहाँ पे ये तीन इंटरफेस बनते हैं, राइट। ये तीन इंटरफेस बनते हैं, एक तो सॉलिड लिक्विड, एक लिक्विड एयर और एक सॉलिड एयर जो बाउंड्री पे है, राइट। सो इन तीन जगह पे इनके इंटरफेसेस बनते हैं, तो हमको इन तीनों जगह पे इनके इंटरफेसेस स्टडी करने। ओके, सो मैं बोलता हूं, कंसीडर थ्री फोर्सेस T1, T2 एंड T3 आर द फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी मैंने बोला कंसीडर करो तीन फोर्सेस जो सरफेस टेंशन की वजह से है, T1, T2 एंड T3। ओके, नाउ कंसीडर T1 इज द फोर्स ऑन ऑफ सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ओके, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, जो लिक्विड है, तो T1 कुछ इस पॉइंट पे है, सो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की वजह से एक टेंशन है, जो टेंशन जाएगा इस तरफ बाहर की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे T1। T2 इज द फोर्स एट सरफेस टेंशन के एट एयर सॉलिड, अभी एयर सॉलिड यहाँ पे बोला था, राइट, यहाँ पे, सो T2 जाएगा यहाँ पे, एंड T3 इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड। अभी एयर लिक्विड का मैं इधर ही पकड़ता हूँ, चलो एयर लिक्विड का इधर ही पकड़ा मैंने, सो दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। सो ये कुछ एंगल बनाता है यहाँ पे थीटा। ओके, इसी को हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मैंने टेंजेंट बनाया, एंड दैट फोर्स इज ऑल्सो टेंजेंशियल। ओके, सो इसका डायग्राम है, मैं रफ करता हूँ, इसका डायग्राम है हमारे पास, सो कंसिडर द डायग्राम। सो आई होप सब लोग डायग्राम देख सकते हो। सो यहाँ पे दिस इज T1, ओके, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। फिर यहाँ पे T2, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर एंड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, बाउंड्री के ऊपर है। एंड ये जो है थर्ड, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस, एयर और लिक्विड के इंटरफेस पे है ये, तो इसके लिए मैंने इसको टेंजेंट डायरेक्शन में लिया, राइट। So, अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, अभी आपका जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था कि सर वाटर ड्रॉप जो होता है वो फैला हुआ होता है, एंड मर्क्यूरी ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप में होता है, तो इसका जवाब अभी हमको मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, व्हाई डज दिस थिंग्स ऑकर। सो लेट्स से कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अक्यूट। ओके, इट इज अक्यूट एंगल। सो डायग्राम फिर से मैंने वही डायग्राम यहाँ पे ले लिया, एंड आप लोग देख सकते हो अभी स्क्रीन पे। सो नाउ अभी हमारे पास एक ही फोर्स है जो एंगल पे है, T3। सो आई से लेट्स रिजॉल्व दिस फोर्स। ओके, लेट्स रिजॉल्व दिस फोर्स। सो मैंने इसको रिजॉल्व किया, ओके, T3 को रिजॉल्व किया, इसको अगर थीटा बोला तो ये बना T3 cos थीटा, राइट, जिसके साथ थीटा वो बनता है cos थीटा, और T3 sin थीटा। अभी sin थीटा का कुछ मतलब है नहीं अपने, why, because sin थीटा is balanced by the weight of this drop, weight of this drop and adhesive forces of this drop and solid के बीच में जो भी adhesive forces है, तो we don't consider this sin component, we only consider this cos component। so can I say यहाँ पे मेरा FBD बन गया, free body diagram। कैसे बना देखो, this is T2, okay, this is T1 and यही पे है T3 cos theta, right? So इसी FBD के हिसाब से now we get T3 sin theta in vertical direction and T3 cos theta in, sorry, ये horizontal होना चाहिए, it's a printing mistake, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ओके, सो हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए था, राइट। सो हमको वही इक्वेशन मिलेगा, अभी देखो क्या इक्वेशन मिलेगा, कैन आई से दिस T2 इज बैलेंसिंग T3 cos थीटा एंड T1, सो कैन आई से T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा,
सो मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज देखो कैसे करता हूँ, ये T1 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो बनेगा T2 माइनस T1, और फिर T3 से डिवाइड करूंगा तो कहने से cos theta is equal to T2 minus T1 divided by T3। सो ये इक्वेशन हमको क्या मिलता है, सो वी गेट cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3। सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ cos theta एक साइड में रखा और सारे फोर्सेस दूसरे साइड में रखे। सो सर अभी इससे मिलेगा क्या, ओके अभी इससे मिलेगा क्या, तो इससे हमको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, ओके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे हम लोग को अच्छे से उसका इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। ओके सो लेट्स सी, सो अगर मैं बोलता हूं लेट्स सी द T2 इज लेस देन T1, इफ T2 इज लेस देन T1, सॉरी T2 इज लेस देन T1, अगर मेरा T2 लेस देन T1 है, ये गलत हो गया एक्चुअली, इसको ग्रेटर देन होना चाहिए था। ओके ये T2 अगर ग्रेटर देन T1 है, ओके इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, कैन आई से T2 माइनस T1 इज पॉजिटिव, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, कैन आई से T2 माइनस T1 इज पॉजिटिव, एंड इफ T2 माइनस T1, अभी ये जो वैल्यू आएगा दोनों को सबट्रैक्ट करके, ये वैल्यू, दिस वैल्यू शुड ऑल्सो बी लेस देन T3, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन T3, कैन आई से माई होल cos theta का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वो भी लेस देन 1, सो cos theta इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, व्हिच इंडिकेट्स इट इज एन अक्यूट एंगल। ओके सो इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके सो द T3, ओके T2 सॉरी, व्हाट इज T2, T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट सॉलिड एंड एयर इंटरफेस, मतलब क्या, बाउंड्री के ऊपर। अभी कोई भी ड्रॉपलेट है, ओके वो ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट के बाउंड्री के ऊपर जो सरफेस टेंशन है ना, ड्रॉपलेट के बाउंड्री के ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो सबसे ज्यादा है, ओके बाउंड्री पे, एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन इनसाइड। अभी T1 क्या है, सरफेस टेंशन इनसाइड है ना, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, बट अगर हम लोग बाउंड्री पे देखेंगे तो बाउंड्री पे सरफेस टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कहां पे, इनसाइड। So, can I say, अगर बाउंड्री पे सरफेस टेंशन ज्यादा है, बाउंड्री पे सरफेस टेंशन ज्यादा या सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो can I say, drop will try to stick to the boundary, drop will try to stick to the boundary, so अगर drop boundary को stick करेगा तो उसका shape ऐसे ही बनेगा, dome shape, right, dome shape बनेगा। अगर ये इंटरफेस पे T2 बहुत ज्यादा फोर्स है, ओके सो T3 हमको नहीं, T3 का कोई भी वैल्यू होने दो, ओके T3 का कोई भी वैल्यू होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये डोम शेप बनने का रीजन क्या था, कि T2 पे, ओके T2 पे फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है बाउंड्री पे, T2 इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ बाउंड्री, इसको हम लोग बाउंड्री करके बोलते हैं, तो फोर्स बहुत ज्यादा है उस पॉइंट, राइट सो उसके वजह से हम लोग उसको अक्यूट एंगल मिलता है इसके वजह से हमको। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू, कि कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी, यस सर, या ओके ओके सो लेट्स मूव अहेड। सो ये था एक्यूट एंगल, सो दिस इंडिकेट्स दैट द स्पिल्ड बबल, या स्पिल्ड बबल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या डोम शेप बबल भी बोल सकते हैं, ओके स्पिल्ड मतलब फैला हुआ बबल, ओके सो दिस फॉर्म द स्पिल्ड बबल। सो ये हमको इंफॉर्मेशन ये तो मिला कि बाउंड्री पे सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, बाउंड्री पे सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड। So let's move ahead. So now if angle of contact is obtuse, अभी ये तो पता चल गया कि सर water का जो surface, sorry water का जो bubble का shape है, वो ये नहीं spherical नहीं है, dome shaped है, right? Dome shaped है. So अभी mercury का क्या रहेगा? सोचो थोड़ा.
what will be the shape of Mercury? So अभी समझते हैं कि if the angle of contact is obtuse, अभी obtuse का मतलब क्या है वो जरा समझते हैं कि आपने acute तो बताया, obtuse क्यों बताया सर अभी? So फिर से डायग्राम देखो, अभी मैंने वाटर बबल का एनालिसिस किया, अभी मैं मर्क्यूरी बबल का एनालिसिस करूंगा. Okay? So इसमें हमारा एक टेंजेंशियल फोर्स कौन सा वाला, सॉलिड और लिक्विड, वो तो आउटवर्ड्स है ही. ओके, दैट इज नो डाउट इट्स आउटवर्ड्स. एंड बाउंड्री पे, ओके, बाउंड्री पे जो भी है वो भी आउटवर्ड्स है. एंड टेंजेंशियली, इसी सरफेस को टेंजेंशियली जो भी जा रहा है वो भी आउटवर्ड्स है. सो नाउ इन दिस केस अगर मैं बोलूंगा, ओके, मैंने फिर से उल्टा लिखा है यहाँ पे. इफ आई से नाउ T2 इज लेस देन T1, इफ T2 इज लेस देन T1, मतलब क्या कि ये जो फोर्स है ये फोर्स कम है और T1 वाला फोर्स यहाँ पे ज्यादा है. मतलब क्या कि इनसाइड वाला, ओके, बाउंड्री नहीं, अभी इनसाइड का फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है. अभी मेरे को एक चीज बताओ, बाउंड्री पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, एडेसिव या कोहेसिव? बाउंड्री पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, एडेसिव या कोहेसिव? एडेसिव. सो जब भी बाउंड्री वाले फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं या एडेसिव फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं तो वो स्पिल्ड बबल बनता है. बट जब भी अंदर वाले फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं ना, तो उस टाइम पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं. तो ड्यू टू दिस, अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसकी वजह से बबल ओवल या तो स्पेरिकल शेप ले लेता है, राइट? ओवल या स्पेरिकल शेप ले लेता है. सो इसीलिए इस केस में मेरा क्या, T2 इज लेस. ओके, सो कैन आई से नाउ T2 माइनस T1 बिकम्स नेगेटिव? सो अगर T2 माइनस T1 नेगेटिव आया, राइट, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आने से मेरा कॉस भी नेगेटिव आ गया, और कॉस नेगेटिव आ गया, इटसेल्फ इट इंडिकेट्स इट फॉर्म्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो हियर दिस इंडिकेट्स दैट द कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस, राइट? सो इट फॉर्म्स अ कंप्लीट ओवल बबल. सो इफ T2 इज लेस देन T1, अभी देखो, अभी ये दूसरा केस है, दिस इज सम डिफरेंट केस नाउ. नाउ दिस इज अ डिफरेंट केस कंप्लीटली. If now my T1 is less than T2, okay, T1 is less than T2, and T2 minus T1 is equal to T3. So अभी हमारा जो equation आया था ना, cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. अभी अगर ये complete arithmetic जो value आएगा, ये value और T3 का value same रहेगा, तो can I say cos थीटा हमारा 1 बन जाएगा, राइट? cos थीटा हमारा 1 बन जाएगा. cos थीटा कब 1 बनता है, cos थीटा 1 कब बनता है? cos 90 ना, cos 90 पे 1 बनता है, श्योर? जीरो. cos 90 पे 1 बनता है. Anybody? Zero pe. Different answer, zero या one? Please tell me sure. Zero. Yes. So cos zero पे one बनता है, 90 पे one नहीं बनता. Sin 90 पे one बनता है, but cos zero पे one बनता है, right? Both are complementary functions. So जैसे ही मेरा cos अभी यहाँ पे one बन गया, no doubt मेरे को अभी ये पता चलता है कि मेरा angle of contact zero है. Angle of contact zero है, तो ऐसे time पे कैसे bubble बनेगा? ऐसे टाइम पे इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस बबल. ये स्पिल्ड भी रहेगा और ओवल डोम शेप में भी रहेगा. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ओवल शेप एज वेल एज स्पिल्ड बबल, राइट? और जो ये वाटर का बबल होता है ना, यस, वाटर हैज अ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वैल्यू जीरो. वाटर, केरोसिन, ये सबका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का वैल्यू होता है जीरो. योर MSBT टेक्स्ट बुक, जो आपके पास टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेबल्स दिए, तो टेबल्स में दे हैव स्पेसिफाइड द डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग देयर डिफरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट्स. सो व्हेनेवर यू रिवाइज दिस कांसेप्ट, गो थ्रू दैट टेबल,
आपको टेबल में बहुत अच्छे से समझेगा कि कौन से लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का वैल्यू क्या है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो है तो शेप कैसे आएगा. एंड यस, नाउ वन मोर थिंग. नाउ इफ T1 इज लेस देन T2, ओके, इफ T1 इज लेस देन T2 एंड T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3. इफ माई T1 इज लेस देन T2, सो फिर से मैं चाहिए तो आपके लिए इक्वेशन लिखता हूँ. वो क्या इक्वेशन है? cos theta is equal to T2 minus T1 divided by T3. अभी मेरे को एक चीज बताओ कि इफ T2 माइनस T1, अगर मैं T3 और T2 माइनस T1 को डिवाइड करूंगा, इफ आई गेट द वैल्यू ग्रेटर देन 1, इज इट पॉसिबल? कैन आई से T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3? ये पॉसिबल है क्या? नहीं. Why? Anybody has the reason? कोई बता सकता है why? क्यों ग्रेटर देन 1 नहीं है? 0 point मध्ये something answer येणार ना? Yes, but I am asking कि if T2 minus T1 is greater than T3, so the ratio will be greater than 1. So is it possible कि if T2 minus T1 is greater than T3? सोच के बताओ. Is it possible? मैथमेटिकली तो सर इम्पॉसिबल है. कॉस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज कॉस का डोमेन ही -1 से 1 होता है. सो दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. तो ये हो गया मैथमेटिकल थिंग. नाउ लेट्स सी लॉजिकल थिंग या फिजिक्स के हिसाब से हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो T2 माइनस T1 इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स. ओके, रिजल्टेंट फोर्स. ओके, of what resultant force? Resultant force of force due to surface tension at solid liquid, मतलब अंदर वाला force, liquid के अंदर वाला force and force at boundary. So ये दोनों forces का resultant होता है T2 minus T1. And what is T3? T3 is air के contact में जो भी molecules है उस point पे आपका जो ये रहेगा क्या force due to surface tension, वो force है. And you know one thing, कि एयर प्रोवाइड्स ऑलवेज द लीस्ट रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग. एयर प्रोवाइड ऑलवेज द लीस्ट रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग. सो हर बार आपका T3 बड़ा ही होना चाहिए. इफ योर T3 इज लेस देन द अदर टू फोर्सेस, तो वो टाइम पे आपका बबल ही नहीं बनेगा. सो यू देयर वोंट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ बबल. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ बबल. गाइस, आर वी क्लियर विद दिस? Yes, sir. समझा है बाकी लोग को भी? Can I move ahead? Hello. Can I move ahead? Yes, sir. Yeah, okay. So ये था shape of the liquid bubble. तो हम लोग को एक बहुत अच्छा scientific reason और mathematically reason भी मिल गया कि water का bubble डोम शेप में है, स्पिल्ड बबल डोम शेप में है, एंड मर्क्यूरी का बबल जो है, सॉरी मर्क्यूरी का ड्रॉप, नॉट बबल, मर्क्यूरी का ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल शेप या ओवल शेप में है. इसका भी हमको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया. किसके वजह से ये था? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट और अलग अलग इंटरफेस के फोर्सेस के वजह से. तो हमको इसमें दो फोर्सेस तो पता ही थी, एक कोएसिव और एडहेसिव फोर्सेस, तो हमको ये तो पता ही था, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. Yes, now let's see the factor affecting angle of contact. अभी मेरे को एक चीज बता कि I have water, okay? I have water and I have mercury. तो अभी तक जितना भी पढ़ा, water का angle of contact ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? Angle of contact of water and angle of contact of mercury, दोनों को अगर मैं comparison करूँगा, तो सबसे ज़्यादा angle of contact किसका रहेगा? वॉटर या मर्क्यूरी. देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसका रहेगा? मर्क्यूरी.
एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा वाटर का रहेगा। देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का डेफिनेशन क्या है, सोच के बताओ। डेफिनेशन चाहिए तो फिर से रिवाइज कर लो, या मैं बताओ। इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द फ्री लिक्विड सरफेस टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। सो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ज्यादा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किस पे रहेगा? मर्क्यूरी पे रहेगा, करेक्ट। Why? Because मर्क्यूरी कॉन्वेक्स शेप बनाता है। कॉन्वेक्स शेप में आपका एंगल जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वो सरफेस के बाहर चला जाता है, तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो दैट मेक्स एन ह्यूज एंगल। व्हाइल वाटर, वाटर का टेंजेंट लिक्विड के अंदर चला जाता है, तो वो एक एक्यूट एंगल बनाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वाटर और मर्क्यूरी ये दोनों अलग अलग मटेरियल या सब्सटेंसेस है, सो ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्ट बनाते हैं, राइट। सो आप लोगों ने ये भी देखा रहेगा कि कुछ लीव्स पे जैसे मर्क्यूरी बबल फॉर्म में रहता है, वैसे वाटर भी बबल फॉर्म में रह सकता है। आपने कुछ लीव्स पे देखा रहेगा, या आपने बायोलॉजी में या आपके गार्डन में भी वगैरह देखा रहेगा कि लीव्स पे जब भी रेन होती है तो उसके बाद में जो ड्रॉपलेट्स लीव पे गिरते हैं वो भी स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, राइट। देखा है किसी ने? Yes. Yeah. So, अभी सबसे पहला फैक्टर जो होता है नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कॉन्टेक्ट, मतलब आपका ड्रॉपलेट कैसे बनेगा। नाउ योर ड्रॉपलेट बनना जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। सो अगर हम लोग ड्रॉपलेट कैसे बनता है स्टडी करेंगे, देन हमको ये भी पता चलेगा कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किन चीजों पर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले कि सॉलिड लिक्विड कॉन्टेक्ट के ऊपर है, मतलब कौन सा सॉलिड किसको कॉन्टेक्ट करता है, राइट। सो नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कॉन्टेक्ट, सो वन फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर क्या है कि नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कॉन्टेक्ट। सो अभी आई डोंट नो कितने लोगों ने मर्क्यूरी को हाथ में लिया है, बट आप अगर मर्क्यूरी में ऐसा उंगली डिप करोगे, जैसे आप पानी में डिप करते हो योर फिंगर गेट्स वेट, सो जैसे आप मर्क्यूरी में डिप करोगे ना, तो मर्क्यूरी से आपका फिंगर वेट नहीं होगा, राइट। So, can I say the human body is a material, solid material, and mercury is one material, right? So, it shows something different properties with human touch. वैसे ही, अभी ये आप लोगों ने देखा रहेगा कि water makes a spherical contact with leaf. Leaf के साथ spherical contact बनाता है, but हमारे अगर hand पे या किसी अलग surface पे गिरेगा, तो वो अलग सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो स्फेरिकल बबल नहीं बनाएगा, वो स्पिल्ड बबल बनाएगा। ये हम लोगों ने जनरली ऑब्जर्व किया है कि लीफ के ऊपर वो स्फेरिकल बबल बनाता है, बट दूसरे सरफेसेस के ऊपर वो स्पिल्ड बबल बनाता है, राइट। सो कैन आई से दिस इज एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट दैट द फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड कॉन्टेक्ट। सो अभी लिक्विड एक बार लीफ पे कॉन्टेक्ट करता है तो अलग बनता है बबल, एंड एक बार किसी और चीज को कॉन्टेक्ट करता है, जैसे वुड पकड़ो या मेटल पकड़ो या ह्यूमन बॉडी पकड़ो, तो उनके ऊपर एक अलग कॉन्टेक्ट बनाता है। सो ये रहा मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी अभी किसी रबर मैट के ऊपर है तो उसका कुछ बिहेवियर अलग रहेगा। सो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो मर्क्यूरी हमारे हैंड में तो कुछ अलग ही दिखाता है। मर्क्यूरी किसी चीज को वेट नहीं करता, राइट। अगर आप मर्क्यूरी में आप खुद का हाथ डिप भी करोगे, सो डिप करने के बाद आपका हाथ, जैसे हम लोग पानी में डिप करने के बाद पानी से गीला हो जाता है, वैसे मर्क्यूरी से आपका हाथ गीला नहीं होगा, राइट। सो मर्क्यूरी शोज दिस काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वाटर शोज दिस काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी मैंने दो मर्क्यूरी और वाटर ही क्यों लिया, अलग अलग सॉलिड या लिक्विड भी यूज कर सकता हूं मैं। सो यस, केरोसिन भी है, बाद में आपके केमिस्ट्री में आप बहुत सारे अभी लिक्विड्स केमिकल्स के कांटेक्ट में आओगे, राइट। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल कुछ अलग प्रॉपर्टी कुछ अलग कांटेक्ट बता सकता है, या कोई ऑयल है, राइट। ऑयल इज नथिंग बट यूर सम काइंड ऑफ फैटी एसिड्स या सिंथेटिक फैटी एसिड्स, सो वो भी कुछ ना कुछ अलग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद देयर सरफेस। सो कभी सोचा है कि मतलब
ये आपके जो ग्रीस है, ग्रीस इज रिमूव्ड बाय डीजल एंड डीजल इज रिमूव्ड बाय सोप। ग्रीस को सोप नहीं रिमूव कर सकता, बट ग्रीस को डीजल रिमूव कर सकते हैं। यस, ये अभी आप लोगों को पता नहीं है तो जाओ किसी गैराज पे जाओ लॉकडाउन खत्म होते होते और अपने हाथ ग्रीस में डालो। यस, ग्रीस इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ओके, विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन। गाड़ी के पार्ट्स में फ्रिक्शन ना हो तो उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो उसमें हाथ डुबो और घर पे आके साबुन से साफ करने का ट्राई करो, साफ ही नहीं होगा। क्यों? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज वॉटर हैज वेरी 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 ग्रेट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके, वॉटर हैज अ वेरी वेरी ग्रेट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विद ग्रीस। सो वो हाथ को वेट ही नहीं करेगा। सो इफ इट डजंट वेट्स द हैंड तो आपका हाथ साफ ही नहीं होगा। बट अगर आप उसी ग्रीसी हैंड को डीजल में लेके जाओगे तो डीजल हैज अ वेरी लेस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विद ग्रीस, सो वो फटाफट ग्रीस को निकाल देगा। एंड आपका वंस हैंड इज फ्री फ्रॉम ग्रीस, देन वॉटर कैन इजिली रिमूव द डीजल फ्रॉम योर हैंड, राइट? आई होप दिस इज क्लियर कि नेचर फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्टेक्ट। सो मैंने इसको एक अच्छा लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। सो ये लॉकडाउन खत्म होते होते वो एग्जाम्पल भी आप ट्राई कर लो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड फील, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। सो ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है सर, कि सेकेंड फैक्टर क्या, किस चीज से हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को इफेक्ट करते हैं? सो एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। सो अभी मेरे को एक चीज बताओ, क्या सिंपल वॉटर बबल्स बना सकता है क्या? Is simple water having tendency to make bubbles? No. Why? Because it has greater amount of surface tension. Bubbles वही बनाता है जिसका surface tension कम होता है, right? जो हवा को पकड़ के रख सकता है। कब पकड़ के रखेगा? जब उसका surface tension कम है, वो surface को expand होने दे सकता है। Surface tension क्या करता है? Surface को कम करता है। But जब bubble बनता है तो bubble tries to expand या expand होने देता है surface को, राइट? तो इसीलिए कभी कभी हम लोग बबल को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सरफेस को एक्सपांड होने देता है, बट वाटर नहीं देता, राइट? सो वाटर हैज अ वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म बबल्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस टेंशन, या बहुत अच्छा उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, राइट? सो अगर मैं अभी इसी पानी में मैं थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट डालूंगा तो अभी मैं बबल बना सकता हूँ सर। आप लोगों ने तो बचपन में खेला भी रहेगा, पानी में थोड़ा सा सोप मिक्स करके उसके बबल्स बना के खेला भी रहेगा, सब लोग खेलते हैं बचपन में, तो मैंने भी खेला था। सो एडिशन ऑफ सोप और एडिशन ऑफ डिटर्जेंट टू द वॉटर, ओके, दिस इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एज स्पेयरली सोल्यूबल। मतलब क्या? डिजोल्व होते हैं बट बहुत टाइम लगता है, ओके? सो इनको स्पेयरिंगली सोल्यूबल बोलते हैं। So, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो गया तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी कम हो गया। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो गया तो वो सरफेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड होने का चांस देता है, राइट? एक्सपांड होने का चांस देता है। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी क्या था? सरफेस को कम करो। बट अभी सरफेस टेंशन वीक हो गया तो सरफेस एक्सपांड होगा और एक्सपांड होने की वजह से बबल्स फॉर्म होंगे, राइट? अभी हमको सर ये तो पता चला यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो सकते हैं। सो क्या है, अभी सबसे पहले सॉल्ट एडिशन इन वाटर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं पता नहीं, बट आपका जो सी वाटर है और नॉर्मल वाटर है, ओके, सबसे अच्छा फेस या फोम बोलते हैं हम लोग जिसको, फोम बोलते हैं, फोम कौन बनाता है, नॉर्मल वाटर या सॉल्ट वाटर? ये आप लोगों ने ये भी चीज पढ़ा रहेगा, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर से इजीली सोप निकलता नहीं एंड सॉफ्ट वाटर से इजीली निकल जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हार्ड वाटर में कुछ अजीब तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, अजीब तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, और ये सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सर्फेस टेंशन, राइट? सरफेस टेंशन, तो इसके वजह से वो वेट नहीं करते किसी चीज को, वो वेट नहीं करते। सरफेस टेंशन एक बार इंक्रीज हो गया तो वो किसी भी चीज को वेट नहीं करता, राइट?
हेलो हेलो यस प्लीज म्यूट योर माइक्स गाइस, आपके जो माइक है प्लीज म्यूट करो सो हमको डिस्टरबेंस ना आए. सो उसके बाद में अभी सॉल्ट एडिशन से हमको ये तो पता चल गया कि उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है. सो कभी भी आपको अगर बबल फॉर्मेशन दिख रहा है, आपको नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, सॉल्ट डालो उसमें थोड़ा सा. ओके, स्पेरिंगली सोल्युबल इंप्योरिटीज लाइक डिटर्जेंट. अभी डिटर्जेंट ऐड करोगे तो बबल्स बनते हैं, फोम बनता है. फोम क्यों बनता है? क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया. सरफेस टेंशन कम हो गया मतलब मैं अभी सरफेस एरिया बढ़ा सकता हूँ. सरफेस एरिया बढ़ा सकता हूँ मतलब मैं बबल्स बना सकता हूँ, और इन बबल्स को कंबाइन करके क्या बनता है? फोम. सो इन शॉर्ट कहने से, ये सॉल्ट ऐड करने से या डिटर्जेंट ऐड करने से हमको ये तो पता चला कि कुछ तो हो रहा है, आइदर सरफेस टेंशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो ये कम होने का रीजन क्या है? अभी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज डाला तो वो भी कुछ हद तक सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं. अभी इसका एग्जांपल बहुत अतरंगी है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो भी आपने कभी देखा नहीं रहेगा. सो लेट्स जस्ट रीड दिस कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज व्हेन एडेड दे मे रिड्यूस सरफेस टेंशन. सो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी इंप्योरिटी अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं, दैट अफेक्ट्स द कोहेसिव फोर्सेस. दैट अफेक्ट्स द कोहेसिव फोर्सेस. ओके, जो भी इंप्योरिटी हम लोग उसमें ऐड करते हैं, सो इट अफेक्ट द कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द लिक्विड एंड योर सरफेस टेंशन इज मेनली ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस है इसीलिए आपका सरफेस टेंशन है. सो मेन रीजन फॉर चेंज इन सरफेस टेंशन इज दैट द कोहेसिव फोर्सेस आर अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज. तो सॉल्ट डालोगे तो कोहेसिव फोर्सेस और बढ़ जाते हैं और अच्छा सरफेस टेंशन बन जाता है. अगर डिटर्जेंट डालते हो तो कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं तो टेंशन कम होता है. कोई इनसॉल्युबल इंप्योरिटी डालते हो तो उसके वजह से भी कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं. सो उसके वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है. राइट, आई होप गाइज आपको ये समझ रहा है. दिस इज द सेकेंड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग थर्ड नॉट सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या सरफेस टेंशन. समझ रहे हैं ना? नो सर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, नाउ टेम्परेचर. टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है. सो कैसे अफेक्ट करता है? सो यस, एक चीज याद रखो कि लिक्विड या एक्वियस सॉल्यूशन है. ओके, लिक्विड है या एक्वियस सॉल्यूशन है. अभी मैं स्पेसिफिकली एक्वियस सॉल्यूशन क्यों बोलूंगा, क्योंकि आपका कोई सॉल्ट मिक्सचर रहेगा या कोई सॉल्ट आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो एक्वियस सॉल्यूशन बनाएगा. राइट, सो इस तरीके से वो आपका एक सॉल्यूशन बना सकते हो. तो दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओके, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होते जाएगा. सो टेम्परेचर इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन. सो अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो लो पानी, लो टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें डिटर्जेंट ऐड करो और उसको गर्म करो, वो बहुत ज्यादा बबल्स बनाने को चालू करेगा अभी. राइट, सो टेम्परेचर ऑलवेज इफ इंक्रीज इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन. बट ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका एक्सपेरिमेंट करना बहुत हानिकारक है. डोंट ट्राई दिस एट होम. राइट, मोल्टन मेटल्स का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से. राइट, मोल्टन मेटल का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है उसके टेम्परेचर बढ़ने से. तो ये तो हम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग सिर्फ एज अ थियरी करके याद रखेंगे. ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है कि एक्वियस सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन किसका बनाओगे? सोप लो, पानी लो, मिक्स करो और अच्छे से उसको हीट करो, बहुत अच्छे अच्छे बबल्स बनेंगे. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस. मूविंग अहेड, नाउ एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस. ओके, क्या होता है अब ये एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस? बहुत बड़ी टर्म बता दी सर आपने.
कि क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि ये एक लिक्विड सरफेस है। ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज अ लिक्विड सरफेस। मैं बोलता हूँ, ओके, मैं आपको बोलता हूँ कि ये लिक्विड सरफेस के जस्ट नीचे एक पॉइंट कंसिडर करो और जस्ट एक ऊपर पॉइंट कंसिडर करो। क्या बोला मैंने? एक जस्ट नीचे पॉइंट कंसिडर करो, एक जस्ट ऊपर पॉइंट कंसिडर करो। ओके, सो अभी लिक्विड, फ्री लिक्विड सरफेस का जो शेप होता है, ओके, शेप होता है, वो शेप कॉन्वेक्स ही क्यों होता है या कॉनकेव ही क्यों होता है? जो हम लोगों ने मिनिस्कस देखा, वो कॉन्वेक्स ही क्यों होता है या कॉनकेव ही क्यों होता है? तो इसके लिए अभी एक सेकेंड रीजन है कि वाई इट इज कॉन्वेक्स एंड वाई इट इज कॉनकेव। सो ये तो पॉइंट कंसिडर करने से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सो कंसिडर अ पॉइंट जस्ट बिलो द फ्री लिक्विड सरफेस एंड अ पॉइंट जस्ट अबव द फ्री लिक्विड सरफेस। ओके, सो टोटल प्रेशर ऑन पॉइंट अबव फ्री लिक्विड सरफेस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सरफेस नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जैसे मैंने बोला कि आपका फ्री लिक्विड सरफेस है, इधर तो सब लिक्विड 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 रहेगा, ये जो पार्टिकल है अबाउ द फ्री लिक्विड, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, एयर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट, द टोटल प्रेशर ऑन द पॉइंट इनसाइड लिक्विड सरफेस। ओके, द टोटल प्रेशर ऑन द पॉइंट इनसाइड लिक्विड सरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम लोगों ने प्रेशर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो कहना है से यहाँ पे जो पॉइंट है, ओके, इसके ऊपर एक हाइड्रोलिक प्रेशर भी है हाइट की वजह से, ओके, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। सो टोटल प्रेशर में अगर कॉम्बाइन करूंगा तो ये दोनों प्रेशर है ना इसके ऊपर, राइट? सो अंदर वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा प्रेशर में है और बाहर वाला कम प्रेशर में है। सो याद रखो, पढ़ाई करोगे तो आप एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के जैसे बनोगे, कम पढ़ाई करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल जैसे बनोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे। ओके, सो मूविंग अहेड, सॉरी इसको कट करते हैं। सो अभी फ्लैट सरफेस, अभी कुछ लिक्विड्स के जो फ्री लिक्विड सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, कुछ लिक्विड्स के कॉनकेव होते हैं, कुछ के कॉनवेक्स होते हैं। सो ये केरोसिन नामक चीज जो है, इसका सरफेस फ्लैट होता है। ये केरोसिन नामक जो चीज होती है, इसका सरफेस क्या होता है? फ्लैट होता है, राइट? सो लेट्स सी। सो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट सरफेस के नीचे और एक पॉइंट सरफेस के ऊपर है। तो ये ऐसा सरफेस है ना कि जिसमें सरफेस टेंशन जो है, ओके, सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से आउटवर्ड्स है, पैरेलल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। सो कैन आई से इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया, दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया, राइट? अभी मैं क्या करता है, मैं इसी लिक्विड के जस्ट नीचे, एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हाइट नीचे, ओके, dx डिस्टेंस के नीचे मैं पार्टिकल लेता हूं और यहां पे भी मैं dx डिस्टेंस से ऊपर एक पार्टिकल लेता हूं। सो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये चिंटू dx के वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर होगा। सो मैं उसको निगलेक्ट कर देता हूं, क्यों? क्योंकि चिंटू है ना, निगलेक्ट कर दिया मैंने, चिंटू लोग को हम लोग निगलेक्ट करते हैं हर बार। सो कैन आई से नाउ द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। सो दोनों जगह पे प्रेशर सेम है, इसके वजह से ये जो फिल्म है या सरफेस फिल्म है ये फ्लैट है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर, सो ये फिल्म फ्लैट है, राइट? सो इसके फ्लैट होने का रीजन क्या था? अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर। So here when the surface forms a flat, at that time the surface tension forms no resultant forces in vertical and horizontal. अभी दोनों forces outwards है, हमको पता है दोनों एक दूसरे को balance करते हैं, तो कोई force ही नहीं बनाते वो लोग। Which says that the pressure inside free liquid surface is unchanged as the surface tension force is parallel and along flat surface, right?
सो फोर्स अंदर का चेंज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि चिंटू पार्टिकल है ना, चिंटू डिस्टेंस पे हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत कम रहेगा। सो मैंने दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल दिया। सो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वही पॉइंट बी पे प्रेशर है। सो अगर दोनों जगह पे प्रेशर सेम है, सो प्रेशर अबाउट प्रेशर बिलो द सरफेस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली सेम, एंड हेंस ड्यू टू दिस सरफेस रिमेन्स फ्लैट। तो फ्लैट सरफेस रिमेन रहने के पीछे का रीजन समझ में आ गया क्या? अभी हम लोग हर चीज का यहाँ पे रीजन सीख रहे हैं, राइट? सो आई होप सबको रीजन समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। राइट? हाँ सर। या ओके गुड। सो ये हो गया फ्लैट सरफेस। अभी अलग अलग तरीके के सरफेसेस के ऊपर पढ़ते हैं। सो फ्लैट सरफेस हो गया, नाउ लेट्स गो फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। अब ये कॉन्वेक्स सरफेस कैसे दिखता है? तो अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना, टॉप से, तो ये कॉन्वेक्स ही दिखता है, राइट? अभी सर का कंप्यूटर पे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट समझ लो अभी ये कॉन्वेक्स ही दिखता है। ओके सो अभी ये इसमें अभी देखो, इस पॉइंट पे अभी ये पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट को अभी मैं यहाँ पे आइसोलेट करता हूँ। सो इस पॉइंट पे एक टेंशन फोर्स और दूसरी टेंशन फोर्स इस तरीके से, ओके, दिस आर फोर्सेस ड्यू टू टेंशन। सो कैन आई से दोनों रिजल्टेंट जो बनाएंगे वो किस इस तरीके से बनाएंगी? ये रिजल्टेंट जो बनाएंगी ये कुछ इस तरीके से बनाएंगी, ये दो फोर्सेस। सो कैन आई से जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट फोर्स है उस डायरेक्शन में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, राइट? प्रेशर बहुत ज्यादा, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, राइट? ग्रेविटी के साथ है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है, तो रिजल्टेंट तो आता इधर है, बट ये रिजल्टेंट आने की वजह से अंदर की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, प्लस इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आता है। सो ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे अंदर में फोर्स बहुत ज्यादा है या प्रेशर बहुत ज्यादा है, और बाहर क्या है रे? बाहर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो कैन आई से प्रेशर इनसाइड द फ्री लिक्विड सरफेस इज मोर एज कंपेयर टू प्रेशर आउटसाइड। सो अगर प्रेशर अंदर ज्यादा है बाहर कम है, ओके, देन एंड देन ओनली इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, देन एंड देन ओनली इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स सरफेस, राइट? क्या बताया मैंने, फिर से बताता हूँ, टेंशन नीचे की तरफ है, सो उसका रिजल्टेंट फ्री लिक्विड के अंदर आएगा, राइट? सो लिक्विड के अंदर आने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर में हम लोग फिर से हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक नहीं सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेंगे, तो और प्रेशर बढ़ गया। बाहर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है सिर्फ, सो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, सो कॉन्वेक्स शेप बनेगा। आई होप समझा है आपको। सो हियर द सरफेस टेंशन फोर्सेस आर डायरेक्टेड बिलो फॉर्मिंग रिजल्टेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट मोर प्रेशर इनसाइड। ड्यू टू दिस प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस एज वी ऑल्सो कंसिडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट? सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द सरफेस that becomes from outside, उसका शेप बन जाता है, okay? The shape of surface becomes convex. So due to increase of pressure inside the surface than outside of the surface, okay? Pressure अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, the shape of surface becomes convex. Excess pressure across free liquid surface. Excess pressure across free liquid surface. वही कर रहे हैं हम लोग फिर से अभी। अभी जैसे हम लोग का flat हो गया, convex हो गया, एक और चीज बची है सर, concave. एक और चीज बची है final में, concave. So for concave surface. अभी diagram में देख सकते हो concave surface की जो forces, these forces are directed upwards, so इसका resultant भी upwards act करेगा। So if this is tension,
टेंशन दिस विल बी रिजल्टेंट अपवर्ड्स. सो कहना है अगर अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है देन अंदर की तरफ ये फोर्स की वजह से प्रेशर ही नहीं रहेगा. कहना है ये फोर्स की वजह से उल्टा प्रेशर कम होएगा. अंदर की वजह से ये रिजल्टेंट की वजह से प्रेशर कम होगा क्योंकि रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाता है. राइट अगर इधर प्रेशर कम हो गया और इसमें मैं प्रेशर कम हो गया मतलब नेगेटिव हो जाता है. सो अगर मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसिडर करना है तो कहना है इसे P0 - P कुछ रिजल्टेंट प्रेशर बन जाएगा ये. सो यहाँ पे प्रेशर कम है और इससे ज्यादा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ये पीओ में से तो हम लोगों ने पी कम किया ना तो यहाँ पे कम है पर यहाँ पे ज्यादा है. सो कहना इसे ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कुछ इस तरीके का फोर्स एक्सर्शन हो जाता है. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ना यहाँ पे तो फोर्स एक्सर्शन ज्यादा होगा यहाँ पे ये पोर्शन में. सो इसके वजह से ड्यू टू दिस रीजन दिस फॉर्म्स अ कॉनकेव शेप कैविटी बनाता है. कॉनकेविटी ओके ये कॉनकेविटी बनाता है. सो आई होप आपको ये भी समझा रहेगा कि कॉनकेव शेप कैसे बनता है. जैसे कॉन्वेक्स बनाता है वैसे ही कॉनकेव बनता है जिसके वजह से सरफेस टेंशन के फोर्सेस की वजह से. इज दैट क्लियर? यस ओके मूविंग अहेड. सो लेट्स सी. सो हियर द सरफेस टेंशन फोर्सेस आर एक्टिंग अपवर्ड्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ देम आल्सो एक्ट्स अपवर्ड्स which is responsible to lower the pressure inside a free liquid surface. Okay, this is responsible to lower the pressure inside free liquid surface as it was against the atmospheric pressure. Ab ye jo pressure hoga this is against atmospheric pressure to pressure aur kam ho gaya. The pressure outside the free liquid surface is more than the pressure inside the surface and this results in formation of concave surface. Move to the next. Yes, now अभी हम लोगों ने drop क्या है समझा. drop oval shape में या spilled bubble shape में क्यों रहता है ये भी समझा. कुछ लिक्विड्स का सरफेस कॉन्वेक्स होता है कुछ लिक्विड्स का सरफेस कॉनकेव होता है. मर्क्यूरी का देखा जाए तो कॉन्वेक्स होता है. वाटर का देखा जाए तो मिनिस्कस कॉनकेव होता है. कुछ सरफेस का फ्लैट होता है कुछ लिक्विड का सरफेस फ्लैट होता है. सो ये सब तो समझा. अभी एक्चुअली बबल स्पेरिकल क्यों होता है ये भी एक बार समझ लेते हैं. बबल स्पेरिकल ही क्यों होता है. Let's understand this also. So, due to surface tension, the surface tries to minimize itself. And due to such phenomena, when any mass of liquid separated from its body result in formation of spherical droplet or bubble, as it has the lowest possible surface area. अभी आप cuboid लो, tetrahedral लो. क्यूब लो और स्पीयर लो. सबसे कम सरफेस एरिया किसका रहेगा पता है क्या? स्पीयर का. सबसे कम सरफेस एरिया स्पीयर का रहेगा. सो जैसे हम लोगों ने बोला कि ये लिक्विड जो होते हैं इनमें सरफेस टेंशन होता है. सो सरफेस टेंशन होने के कारण वो सरफेस एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. अभी रिड्यूस करने की कोशिश में एक ही ज्योमेट्री बन सकता है वो क्या होता है? स्पीयर. Right, it tries to minimize its surface. So अभी consider करो एक drop है, water drop है, okay, water drop है ये. Bubble भी हो सकता है, but मैं अभी at present इसको water drop बोलता हूँ. जिसका at a instant radius है r, okay, उसके अंदर कुछ pressure है p, और बाहर atmospheric pressure है, okay. और मैं अंदर उसके प्रेशर और बढ़ाते जा रहा हूँ. पी आई इनसाइड प्रेशर में बढ़ाते जा रहा हूँ.
सो उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस अभी सेकेंड इंस्टेंट पे बढ़ा डेल्टा आर से. सो फर्स्ट लेट्स कंसीडर स्फेरिकल ड्रॉपलेट विच हैज रेडियस आर एट एनी इंस्टेंट. टी बी द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड सरफेस, पीओ बी द आउटसाइड प्रेशर विच इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड पी आई बी द इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट. सो ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द ड्रॉप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय स्टेप ऑफ डेल्टा आर. सो अभी मेरा रेडियस यहाँ पे बढ़ता है, ओके यहाँ पे मेरा अभी रेडियस बढ़ जाता है डेल्टा आर से. सो अभी मैं क्या बोलूंगा सेकेंड इंस्टेंट पे, नाउ मेरा इनिशियल इंस्टेंट पे एरिया है ए वन विच इज 4πr² माई इनिशियल इंस्टेंट एरिया. इनिशियली क्या था रेडियस आर था, तो उसका एरिया क्या है स्पीयर का सर्फेस एरिया होता है 4πr², ओके. इंक्रीज होने के बाद अभी मेरा रेडियस आर प्लस डेल्टा आर इंक्रीज हुआ, तो उसका एरिया क्या बनेगा रे 4πr + δr² अभी ये a प्लस b द होल स्क्वायर एक्सपांड किया मैंने, सो r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर. सो क्या बना ये 4πr² प्लस 8πr डेल्टा r एंड प्लस 4π डेल्टा r स्क्वायर. अभी मैं बोलता हूं कि ये डेल्टा r बहुत छोटा है, दिस डेल्टा r इज वेरी 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 स्मॉल. As the delta r is very small increase, we neglect the square term. अभी 0.1 का square करोगे तो 0.01 बनेगा. 0.2 का square करोगे तो 0.04 बनेगा. तो जैसे-जैसे आप छोटी values को square करते जाओगे, वो और छोटी होती जाएंगी. Right? So delta r है, बहुत छोटी value है पहले से, उसको square करोगे तो उसकी value भी छोटी ही होती जाएगी. So, मैंने 4πr डेल्टा r स्क्वायर का टर्म निगलेक्ट कर दिया, तो मेरे को a2 मिला 4πr² प्लस 8πr डेल्टा r. सो ये मेरे को a2 मिला. नाउ आई वांट टू नो द चेंज इन एरिया. सो कैसे मिलेगा, चेंज इन एरिया इज a2 माइनस a1 विच इज 4πr² प्लस 8πr डेल्टा r माइनस 4πr² भी है. 4πr² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8πr into delta r, ओके 8πr into delta r. तो I got change in area. Now यहाँ पे work done क्या हुआ, ओके work done क्या हुआ, work done in minimizing the surface area. So dW is equal to tension into change in area. So tension हम लोग का पता है, हमको T है, change in area is 8πr delta r. Change in area is 8πr delta r. Change in area is 8πr delta r. और हमको ये भी पता है work done is force into displacement. अभी displacement क्या है, delta r है. Displacement क्या है, delta r है. Can I write force is nothing but differential pressure, okay? Differential pressure outside minus inside, okay, differential pressure multiplied by area 4πr². Can I say force is differential pressure into area? अभी आपको पता है ना pressure is equal to force upon area. तो मैं force को लिखता हूँ pressure into area. But यहाँ पे pressure क्या है? Differential pressure outside minus inside. Area 4πr² है. So can I directly write force की जगह मैं PO minus PI into 4πr² और ये dr को मैं लिखता हूँ delta r. So यहाँ पे मेरे को एक work done क्या मिला, एक work done मिला मेरे को tension reduce करने के लिए और एक work done मिला मेरे को radius बढ़ाने के लिए. So दोनों work को अगर मैं equal करता हूँ, okay, so equating both क्या आएगा t into 8πr delta r और इनटू पीओ माइनस पीआई 4πr² डेल्टा आर, डेल्टा आर डेल्टा आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर और एक आर कैंसिल, और 4 को उधर डिवाइड करूंगा तो 8 को डिवाइड होएगा 2 बनेगा. सो कैन आई से इट बिकम्स 2t इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं देखो मैं 2t इज इक्वल टू पीओ माइनस पीआई इंटू यहाँ पे एक आर बचा है आर, सो ये आर नीचे लेके गया मैं, तो क्या बनेगा
PO minus PI is equal to 2T by R. ये फॉर्मूला किसके लिए है? दिस इज फॉर वॉटर ड्रॉपलेट, वॉटर वॉटर ड्रॉपलेट के लिए. दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 स्पेसिफिक फॉर्मूला, ओनली एंड ओनली फॉर वॉटर ड्रॉपलेट. अगर बबल होता, चलो वाटर ड्रॉपलेट की जगह बबल होता, तो बबल का जो चेंज इन एरिया होता उसको हम लोग इनटू टू करते. क्यों? क्योंकि बबल का, जैसे मैंने बोला, बबल को हम लोग एक आउटसाइड एरिया भी लेते हैं, एक इनसाइड एरिया भी लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड से टेंशन अप्लाई करता है. एक इनसाइड वाला टेंशन होता है, एक उसका आउटसाइड वाला टेंशन होता है. सो उसको मैंने इनटू टू किया. सो डी ए विल बी टू इनटू 8 पाई आर डेल्टा आर. फिर से मैं इक्वेट करूंगा. So, ये 8 to the 16 होगा ना. सो टी इंटू डी ए, डी ए क्या होगा? 16 पाई आर डेल्टा आर. एंड फोर्स इंटू वर्क डन, फोर्स तो वैसे ही रहेगा, 8 टू डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा आर फिर से कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, और 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो 4 बन जाएगा. सो कैन आई से इट बिकम्स 4t इज इक्वल टू पीओ माइनस पी आई इंटू आर. ये आर नीचे लेके जाऊंगा इधर, तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा. पीओ माइनस पी आई इज इक्वल टू 4t बाय आर. दिस इज ओनली स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर बबल. ओके, बबल के लिए ही है ये. गलती से भी ड्रॉपलेट वाला इक्वेशन बबल के लिए यूज मत करना, और गलती से भी बबल वाला इक्वेशन ड्रॉपलेट के लिए यूज मत करना. ओके, गलती से भी नहीं होना चाहिए. ये दोनों डिस्टिंक्ट फॉर्मूला है और इनको डिस्टिंक्टली ही यूज करना है. ओके, सो एक चीज इसमें से पता चलती है कि अगर हम लोग बबल और वाटर ड्रॉपलेट को कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग बबल और वाटर ड्रॉपलेट को कंपेयर करेंगे, सो कंपेयर करने के बाद कंपेयर करने के बाद हमको एक चीज पता चलती है कि बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है. सर कैसे पता चला बबल के अंदर प्रेशर होता है वो कम होता है? चलो ना दोनों को इक्वेट करते हैं. ओके, ये 2 मैं इधर लेके आता हूं. सो टी बाय आर इज इक्वल टू पीओ माइनस पी आई डिवाइड बाय. ओके, ये इधर से आया, ये इधर से क्या आता है? टी बाय आर इज इक्वल टू, ओके, ये पीओ मैं बी बोलता हूं, सॉरी नॉट बी, डी बोलता हूं, ड्रॉपलेट है ना. एंड इसको मैं बोलूंगा पीओ माइनस पी आई बबल डिवाइड बाय 4. अगर ये दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, ये दोनों को, सो कैन आई से 2 वन जा 2 टूजा. सो पीओ माइनस पी आई ऑफ ड्रॉप, ओके, दिस विल बी इक्वल टू पीओ माइनस पी बी डिवाइड बाय 2. सो ड्रॉप का जो प्रेशर है दैट इज बबल के प्रेशर का हाफ. यस, सो सॉरी मैंने उल्टा बोला, बबल में ज्यादा प्रेशर होता है. बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, ड्रॉप के अंदर कम प्रेशर होता है. सो बबल का प्रेशर जो होता है उसको अगर हम लोग हाफ करेंगे, ओके, अगर आपको सरफेस टेंशन और बबल का साइज सेम रखना है, ओके, सरफेस टेंशन और अगर हमको बबल का साइज सेम रखना है, तो अगर उसको हम लोग हाफ करेंगे, तो हाफ करने के बाद हम लोग को ड्रॉप का प्रेशर मिलेगा, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर, राइट. सो प्रेशर इनसाइड बबल इज मोर एज कंपेयर टू प्रेशर इनसाइड ड्रॉप. Pressure inside bubble is more as compared to pressure inside drop. So I hope आप सबको मैंने अभी आज starting से मैं बताता हूँ क्या क्या बताया. Revision किया थोड़ा सा last lecture का, उसके बाद में हम लोगों ने droplets का study किया, droplet का analysis किया, spherical कैसे बनता है, spilled bubble कैसे बनता है. उसके बाद में हम लोगों ने सरफेस का स्टडी किया कि सरफेस फ्लैट है तो क्यों फ्लैट है, कॉनकेव है तो क्यों कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है तो क्यों कॉन्वेक्स है.
उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा बबल फॉर्मेशन का थियरी देखा, उसके पीछे डेरिवेशन देखा, और यस वन मोर थिंग, ये दो दोनों जो इक्वेशन है ना, ये एक साइंटिस्ट ने डिराइव किए थे, इसको नाम था लाप्लास। ये साइंटिस्ट का नाम था लैपलास। तो एग्जाम में कभी भी बोला डिराइव लैपलास इक्वेशन ऑफ सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, तो लैपलास इक्वेशन मतलब यही है। तो उसके लिए आपको अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो दोनों के लिए, ड्रॉप और बबल दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाई किया तो जो बोला है उसके लिए डिराइव करो, बट अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो दोनों के लिए बनाओ। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को लैपलास इक्वेशंस बोलते हैं। So I hope it is clear to everybody, जितना भी मैंने बड़बड़ किया समझाया, is it clear? Yes sir. Oh, sir. किसी को कोई भी doubt है? नहीं। Okay, so today's lecture was planned up till here. Okay, so I hope अभी सबको समझा है। सो आप अभी टेक्स्ट बुक लेके एक बार रीड करो, रिवाइज करो अच्छे से, एंड देन अगर आपको कोई फर्दर डाउट आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके हाँ सर। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फोर्थ लेक्चर, थैंक यू, बाय सर। या